इस बीच लड़का एक धोबी के घर पहुंचा। अंदर कोई है? कृपया मेरी मदद कीजिए, राजा के आदमी मेरे पीछे पड़े हैं। किस लिए? मुझे नहीं मालूम, ऐसा होता ही रहता है। अंदर आओ, उस टोकरी में बैठ जाओ। मैं तुम्हें नदी किनारे छोड़ दूंगा, वहां से भाग जाना। धन्यवाद श्रीमान। नदी किनारे से लड़का एक गांव पहुंचा। वहां उसे एक मोची काम करता दिखा। भाई, मुझे एक ऐसी चप्पल बना दोगे जिसके आगे एड़ियां लगी हो? मोची राजी हो गया और जल्द ही इससे कुछ समय तक के लिए तो पीछा करते सैनिकों से छुटकारा मिल जाएगा। जब वह शहर की भारी दीवार पर पहुंचा, इस दीवार पर तो मैं चढ़ नहीं सकता, नाला बन गई बात। जैसे ही वह पानी में कुछ दूर तक तैरा कि कुछ नागों ने उसे देख लिया। अजनबी, चलो उसे राजा के पास ले चलें। कुछ दिनों बाद सूर्यनेमी के महल में, लड़का कहाँ है? एक गांव में उसका पता लगा महाराज, हम देर से आए, वह तो पिंगल के जंगल में भाग गया। अब कहाँ है वो? वो गायब हो गया, बस गायब। मूर्खो, उसने तुम लोगों को बेवकूफ बना दिया, वह नाले से निकल भागा होगा। वह जरूर नागलोक में होगा। जाओ, राज्य के सभी सपेरों को मेरे पास भेजो। उधर नागलोक के महल में, महाराज की जय हो, सूर्यनेमी के राज्य के सपेरे हमें पकड़ने के लिए मायाजाल तैयार कर रहे हैं। महाराज, वे मेरे पीछे पड़े हैं, आपके नहीं। मैं चला जाऊंगा। कहाँ जाओगे तुम? मैं पिंगल के जंगल में जाऊंगा। वह यक्ष तुम्हें खा जाएगा? राजा के आदमियों के हाथों मारे जाने के बजाय मैं यह खतरा उठा लूंगा। जैसे ही लड़का तैर कर चला गया, सपेरे नागराज के पास आए। अगर तुम हमें वह लड़का सौंप दो तो तुम्हें बख्श देंगे। आप देर से आए, वह तो पिंगल के जंगल में भाग गया। यक्ष पिंगल के? हाँ, उस लड़के को अब मरा ही समझें। चलो लौट चलें और राजा को बताएं, इससे उन्हें खुशी होगी। लेकिन जब सूर्यनेमी ने यह खबर सुनी, कैसे कह सकते हो कि वह मरेगा ही? जंगल को घेर लो, वह जिंदा बाहर आए तो तुरंत मार डालो। उधर लड़का जंगल में पहुंच गया था और इधर उधर भटक रहा था। तब कुत्ते जरूर पिंगल के होंगे, वे मुझे फाड़ कर रख देंगे। तुमने यक्ष पिंगल के बारे में नहीं सुना क्या कि जो आदमी उसके जंगल में आता है उसे वह खा जाता है? मैं वही हूं और तुम्हें खा जाऊंगा, इसीलिए बेहतर है नीचे आ जाओ। वहां ऊपर कब तक रहोगे? जब तक जिंदा हूं। आसानी से नहीं मानोगे? ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। वह सो गया, लेकिन कुत्ते चौकन्ने हैं। लड़का बचने के उपाय सोचता रहा और उसने अपनी शॉल उतारी, सावधानी से निशाना साधा। चूंकि उस शॉल में लड़के की गंध समाई थी, कुत्तों ने सोचा कि लड़का नीचे गिर गया है। वे यक्ष पर झपट पड़े। और उसे खा गए। जल्द ही वे जा रहे हैं। वाह, युवक नीचे उतरा और जंगल में चलता रहा जब तक कि एक छुरियों वाले बूढ़े से उसकी भेंट नहीं हुई। अच्छा, तो वह दुष्ट पिंगल मारा गया? आपको कैसे पता चला श्रीमान? उसकी मौत एक युवक के हाथों बदी थी।
तुम जिंदा हो, जाहिर है वह मारा गया। फिर एक सुबह, मैंने जो रास्ता बताया है उससे बाहर जाओ। बेटे, यह पगड़ी राह में तुम्हारी रक्षा करेगी। लड़का जैसे ही जंगल से बाहर आया, वही लड़का है, पीछा करो। ओह, ओह, राजा अभी भी पीछे पड़ा है। और बिना विचारे उसने भागना शुरू किया। ए, पकड़ लिया। ए, ठहरो, रुको, दिखाई नहीं पड़ रहा है, गिरकर मर गया होगा। अब राजा को शांति मिलेगी। वे लौट रहे हैं, समझते हैं मैं मर गया। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मैं जिंदा हूँ, तब उनका यह पीछा करना मुझे रोकना ही होगा। मैं राजा का सामना करूंगा। इस बीच राजमहल में महाराज, वह लड़का मर गया। यह रही उसकी पगड़ी। हमने उसे पकड़ा और एक गहरी खाई में ढकेल दिया। मर गया वह। अब मैं शांति से जी सकूंगा और राज्य का उपभोग कर सकूंगा। उस रात जब सूर्य नेमी बाग में टहल रहा था, तुम? मुझे नहीं मालूम तुम मुझे क्यों मरवाना चाहते हो। लो, तुम्हारे सामने हूं। मार सकते हो तो मारो। सूर्य नेमी ने तलवार खींच ली और उन दोनों की लड़ाई में सूर्य नेमी मारा गया। मैं ये नहीं करना चाहता था। उसने कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था। तुम ही मुझे महल में ले गए थे। बताओ, वह मुझे क्यों मरवाना चाहता था? यह लंबी कहानी है बेटे, एक दुखद कहानी। गोष्ठिल ने भविष्यवाणी, सूर्य नेमी की निष्ठापूर्ण आज्ञा और फिर उसे बचाने की सारी बातें लड़के को बताई। उसे अपने माँ और भाई की अपेक्षा राजगद्दी से ज्यादा मोह था। आओ चलो, अब जरूरी काम करें। राज्य बिना राजा का है। लड़के को राजा बनाया गया। उसने वाराणसी पर राज्य किया और प्रजा के हित में अपने पिता से भी बढ़कर काम किए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।